जी तो जोरे की शॉपिंग की क्वालिटी कहाँ से आई विरसे में भाई? अच्छा शॉपिंग का ना मुझे कोई शौक नहीं था बचपन में भी और अभी तक नहीं है. आई डोंट लाइक टू शॉप, मुझे बिल्कुल शॉपिंग करना नहीं पसंद. लेकिन जो चीज़ ज़रूरत है उसको मैं ऑब्वियसली ख़रीदना पड़ता है. तो मामा के थ्रू आई थिंक ये चीज़ आई है कि वो जहाँ भी शॉप पे जाती थी ना तो मुझे साथ ज़रूर लेके जाती थी. अच्छा. और मुझे जाना नहीं पसंद था. हाँ. और वो मुझे लेके जाती थी और मुझे ट्रेनिंग हो रही थी. हाँ. और फिर मामा ना कहती थी पहले से पैसे नहीं बता देते कि मैं इतने दूंगी, वेट करते हैं कि वो क्या बोल रहा है और मैं पहले से ही ना बोल दूँ कि ये इतने में दे दें. अब मामा मेरी शक्ल देखे और वो ना मामा ना जब मुझे आँखें दिखाती थी ना तो मैं थोड़ा डर जाती थी. तो मैं यूँ हो जाती थी कि ओ शिट मैंने यू नो ब्लंडर कर दिया है. तो खैर उनसे मैंने सीखा ओवर द टाइम एंड फिर इवेंचुअली क्योंकि मुझे पसंद नहीं थी शॉपिंग तो फिर मैंने नहीं करी. लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग का मुझे बहुत शौक है. तो आई थिंक जब से ये ऑनलाइन शॉपिंग ये वर्चुअल एक चला है ना तब से आई थिंक आई एम मोर इनटू इट. क्योंकि उसमें मुझे ये लगता है कि मुझे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मैं काफ़ी थॉरो रिसर्च कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ को समझ सकती हूँ. टाइम की कोई मैनेजमेंट का मसला नहीं होता. आप सुकून से अपना टाइम लेके उसको देखें समझें, ऑप्शंस ढूंढें कि कहाँ आपको कोई सेलर होगा जो चीप दे रहा होगा, आपके पैसे बचेंगे और वो सब चीज़ें मेरा प्रोसेस होता है. तो अगर मुझे कोई चीज़ मंगानी है ना तो मैं 10 दिन पहले उस पर काम करना शुरू करती हूँ और फिर थॉरली देख के और फिर उसको भी शॉर्टलिस्ट करती हूँ कि कौन सी चीज़ है जो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए. Sometimes shipping charges कुछ अलग अलग नहीं दैट वो मैं अच्छा उसमें भी मैं ये देखती हूँ कि फ्री शिपिंग जहाँ पे भी शिपिंग के पैसे चार्ज हो रहे होते हैं ना इसका मतलब है कि मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है. क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट बहुत महंगी है और उसमें शिपिंग उन्होंने जीरो की हुई है तो उन्होंने उसमें उस प्रोडक्ट में शिपिंग ऐड कर दी होती है. लेकिन कहीं कहीं होता है कि प्रोडक्ट बहुत सस्ती होती है लेकिन शिपिंग इतनी महंगी होती है तो वो शिपिंग के थ्रू कर रहे होते हैं. तो शॉपिंग की तो अलग अलग कहानियाँ होती हैं. जी जी मैंने किसी शो पर बताया भी था कि हमारी हर फैमिली में एक ऐसी खातून रही है. जैसे मेरी फैमिली में मैं हूँ, बहुत उल्लू बनी हूँ एक ज़माने में, और मेरे अब्बू की फैमिली में मेरी पुप्पो थी. अच्छा. उनका ये आलम था कि वो शॉपिंग करने जाती थी, अगर फ़र्ज़ करो वैसी ही जूती उनकी बहन 150 रुपये में लाई हुई है तो वो दुकानदार के पास जाएंगी, उनको नहीं पता ना कि उनकी बहन ने भी ली हुई है. वो दुकानदार के पास गई, कहेंगी भाई ये जूती अच्छी है लेकिन मैं 200 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगी. जो दूसरे ने 150 रुपये की ली हुई है उनको नहीं पता कि 150 में ली है, उनको लगा 200 ही मैंने कम बोले. Yes. तो वो ये कह रही है ना मैं शुरू में खुद नहीं बोलती थी. मेरी पप्पो वो महंगी ले आती थी खुद बोल के भाई 200 रुपये से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी मैंने कह दिया. और मामा ने ये भी कहती थी कि जो चीज़ पसंद है उस पर उसको इशारा नहीं करो, उसको उसकी तरफ मत जाओ, मुझे बताओ मैं करूंगी डीलिंग. लेकिन ये बड़ा मसला होता है, बच्चे फंसा जाते हैं ना दुकानदारों के सामने. तो फिर मैं तो फलाल को ये सिखाती हूँ कि फलाल हाथ दबाया करो मेरा, फसड़ा मत करो, मम्मा ये ले दे, आई विल डू एवरीथिंग मम्मा, आई नीड दिस डैडी, ये मत करे. बच्चों को देख के शेर होते हैं ना वो लोग.